उसके लिए हमने यहाँ पे आम ले लिए, उसको अच्छे तरीके से धो के छील के हमने इसको अच्छे तरीके से बनाया है। इसको इस तरीके से कट करना है, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। इस तरीके से आम को हमें कट कर लेना है छोटे छोटे पीसों में। इसके इंग्रेडिएंट्स में हम दूध लेंगे और ये है शक्कर, इन दो चीज़ों से हम बनाएंगे। मिक्सी का ग्राइंड लिया है और इसमें हम इसको डाल देंगे, इसको छोटे छोटे जो हमने कट किए थे। अब इसको मिक्सी ग्राइंडर में हम ग्राइंड करेंगे। इसमें हम शुगर भी ऐड कर देंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। शक्कर को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से हो चुका है। इसमें दूध ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। लगभग 5 मिनट तक आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है दूध आने के बाद। इसका पेस्ट हमने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है और इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पानी भी आप डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से बन चुका है। तो आम रस हमारा बन चुका है, हम इसको अच्छे तरीके से सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना हुआ है और इसको हम छोटे छोटे पीसेस को कट करके मिला लेते हैं। इसे काफ़ी अच्छे टेस्ट आते हैं। मन कर रहा है ना खाने का?